हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे मोटो 20 फ्यूजन में और वीवो V21 5G में और देखते हैं कि दोनों में से बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले से। तो मोटो की है डिस्प्ले 6.7 इंच की और वीवो की है डिस्प्ले 6.44 इंच की। और दोनों फ़ोनों का रेजुलेशन 1080x2400 पिक्सल और दोनों फ़ोन की स्क्रीन एमोलेड डिस्प्ले। और आपको मोटो में पंच होल कैमरा मिलता है, वीवो में है वाटर ड्रॉप नॉच और दोनों ही फ़ोनों में आपको 19 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो दोनों का सेम है, मीडियाटेक का है डायमेंसिटी 800U का। सीपीयू 2.4 GHz ऑक्टा कोर का, 7 nm का फिनफैट। और बात करते हैं बैक कैमरे की, तो दोनों का है ट्रिपल। मोटो का जो मेन कैमरा है 108 MP का, फिर 8 का और फिर 5 का। और वीवो का जो मेन कैमरा 64 MP का, फिर 8 का और फिर 2 का। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो मोटो का है 32 का और वीवो का है 44 का। और फ्रंट कैमरे की क्वालिटी में वीवो बेस्ट है, बैक में मोटो बेस्ट है। बात करते हैं बैटरी की, तो मोटो में है 5000 mAh की, वीवो में है 4000 mAh की। और दोनों फ़ोन की बैटरी लाइफ नॉनेबल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। बात करते हैं चार्जर की, तो मोटो में है 30 वाट का, वीवो में है 33 वाट का। दोनों में टाइप्स का सपोर्ट है, दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक भी मिल जाता है। दोनों फ़ोन में आपको ट्रिपल सिम नहीं मिलती, दोनों की है वारंटी 1 साल की। और दोनों में है कनेक्टिविटी 5G की और दोनों में आपको फ्रंट में ग्लास मिलता है और बैक में है एल्युमिनियम। और बात करते हैं रैम की, तो मोटो में है 6 GB और 8 GB की, वीवो में है 8 GB की। और दोनों फ़ोन की मेमोरी है 128 GB की, दोनों में आपको एंड्रॉयड 11 मिलता है। बात करते हैं प्राइस की, तो मोटो का है स्टार्टिंग 21,499 रुपये और वीवो का है स्टार्टिंग 29,999 रुपये। तो फिर आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।